देखिए यहाँ पर पूरा हिसाब है, सीरियली 1-2 नंबर करके है इसमें। 62 नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, 62 नंबर यानी 62 बोरा धान हुआ, और किसी में 37 बोरा 37 केजी, 51 केजी, 40 44, देखिए 43, 42, 39 है ना, इसी तरह से 43, 41, तो यही हिसाब है दोस्तों। देख सकते हैं 37 केजी, 51 केजी, इसी तरह से पूरा हुआ है आज, और टोटल बोरा हुआ 62, 60 बोरा धान, 62 बोरा धान हुआ टोटल। जो टोटल जो धान हुआ इधर। हेलो दोस्तों, हमारे नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी सुबह का समय है और मौसम आज थोड़ा सा साफ हुआ है, देख सकते हैं मौसम थोड़ा सा साफ हुआ है, लेकिन ठंड बहुत ही ज्यादा है, ठंड पूरा बढ़ा दिया है। देख सकते हैं इधर हमारा मुर्गी का बच्चा को यहाँ पे ढक के रखे हुए हैं, और मौसम आज थोड़ा थोड़ा हल्का सा धूप निकला हुआ है, लेकिन ठंड पूरा बढ़ा दिया है, और जो शीतलहरी चल रहा है उसके चलते और ज्यादा ठंड लग रहा है। और कुहासा अभी भी है, देख सकते हैं इधर पूरा धुंधला दिख रहा है, और ठंड तो एकदम बहुत ही ज्यादा ठंड बढ़ा दिया है। पेड़ सब में देखिए, ये बैर का पेड़ है, पेड़ भी एकदम सफेद सफेद दिख रहा है। और दोस्तों जो हमारा खेती में धान हुआ है ना, जो भी हम लोग धान रोपे थे और जितना धान हुआ है तो उसको आज सेल कर देंगे, नहीं तो दोस्तों अभी पानी में भीगा हुआ था और धान खराब हो जाएगा, इसलिए उसको सेल भी कर देना है जल्दी से। और दोस्तों हम लोग का जितना भी धान हुआ है खेती में उसको बेचना है, तो लेने वाला पार्टी भी आए हुए हैं, तो चलिए दिखाते हैं किस तरह से बोरा में पैक कर रहे हैं, चलिए दिखाते हैं। और इधर देखिए यहाँ पे गाड़ी लगा हुआ है, तो इसी में भी धान को भर के ले जाना है, तो चलिए दिखाते हैं कैसे बोरा में पैक कर रहे हैं। बहुत सारा धान पानी में भीग गया था, इसलिए उस सब धान को अब बेच देना है, कुछ रखेंगे अपना खाने वाला, बाकी सब को बेच देना है। सब तो ऐसे बार चले जाते, सब लौट जाते मैं ऊपर। लाइन तो खत्म है, कैसा ना है धंधा है? हाँ तो पानी भिजो रहे तो सेटा चुनते, पानी तो खूब भिगो रहे हैं। दोस्तों धान को भर लिए पूरा बोरा में, देखिए हम लोग पूरा भर लिए हैं, इतना सारा धान हुआ है। अब इसका वजन होगा, तो अभी तैयारी कर रहे हैं उसका, वेटिंग मशीन ला रहे हैं, और इसका पूरा वेट होगा तब पता चलेगा कितना धान हुआ। दूसरा साल से तो इस साल थोड़ा कम ही है, बारिश में भी थोड़ा सा दिक्कत हुआ और धान उतना ज्यादा नहीं हुआ इस बार, देख सकते हैं इतना ही बोरा है। तो बोरा में भर लिया, अब गाड़ी को अंदर घुसा रहे हैं, देख सकते हैं उधर से आ रहा है गाड़ी, यहाँ पे अंदर घुसाएंगे, यहाँ से सामने होगा, लोड करने में सुविधा भी हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए अंदर घुसा रहे हैं। गाड़ी में यहाँ पे सीढ़ी लग गया है, अब लोड होने वाला है। इधर वेटिंग मशीन, है?
40 बिल्कुल 40 बिल्कुल, एक नंबर ना। तो सारा धान यहाँ से निकल गया, देख सकते हैं पूरा वेट हो गया है। अब यहाँ पर पूरा खाली है, और इधर एक बोरा रखे हुए हैं जो अपने लिए है, इसका अपना चावल बनाना है अपने खाने के लिए, घर में चावल बनाएंगे इसलिए उसको रखे हुए हैं, बाकी सब धान बेच दिए। और इधर वाला चावल ये धान नहीं है, और इस साइड भी थोड़ा सा धान बचा हुआ है, ये तो रखे हुए हैं अपना घर के लिए भी थोड़ा बहुत रखना पड़ता है। और जो देसी वाला धान होता है इसका चावल खाने में भी बहुत ही मस्त लगता है, इसलिए थोड़ा बहुत रखे हुए हैं। इधर पूरा लोड हो गया गाड़ी में, एक गाड़ी धान तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्ट हो गया है, गाड़ी जा रहा है, पूरा लोड हो गया। और दोस्तों लोग चल गए गाड़ी लेके बाहर में, देखे भी दोस्तों धान वाला गाड़ी तो चला गया, और अभी मौसम भी साफ हो रहा है, और देख सकते हैं धूप निकल रहा है, देखे धूप आ गया है, अब धूप निकल गया है और मस्त लग रहा है अभी। तो दोस्तों आज कितना का धान बेचे हैं वो चीज़ अभी चलिए दिखाते हैं, और चलिए बताते हैं कितना रुपया का आज धान बेचे, धान बेच के कितना पैसा हुआ है, तो बताएंगे क्या दोस्तों, पूरा हिसाब किताब जो है वही दिखा देते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, और धान में प्रॉफिट तो नहीं है, मतलब जितना फायदा है उतना लॉस भी है, इसलिए कि धान खेती में बहुत सारा पैसा भी लगता है, आदमी से करवाना पड़ता है काम, तो जितना खर्चा होता है उतना नहीं आता है पैसा, और सब दूसरों के भरोसे होता है तो फिर पैसा उतना नहीं आ पाता है, और जितना धान होना चाहिए उतना होता ही नहीं है, पूरा उसका जो बिहन धान होता है उसको खरीदना पड़ता है, फिर लगाना पड़ता है। और दोस्तों धान बेच के कितना पैसा हुआ वो चीज़ अभी बताएंगे, तो उससे पहले बता रहे हैं दोस्तों कि धान में फायदा नहीं होता है, धान में फायदा होता ही नहीं है, क्योंकि धान का जो बीहन होता है उसे खरीदना पड़ता है, फिर रोपना पड़ता है, फिर कटिंग करना पड़ता है ना, फिर झाड़ना पड़ता है, उसके बाद बेचते हैं, और रेट नहीं मिल पाता है ज़्यादा, जितना बेचाना चाहिए उतना नहीं बेच पाते हैं, और जितना धान होना चाहिए समय पर पानी नहीं मिलने से उतना धान भी नहीं होता है, जल्दी रोप नहीं पाते हैं, इसलिए धान नहीं हो पाता है उतना। तो दोस्तों धान वाला गाड़ी चला गया, और धान बेच के आज कितना पैसा हुआ है वो चीज़ अभी बताएंगे। तो दोस्तों धान बेच के जो पैसा होता है ना वो फायदा नहीं होता है, धान खेती में बहुत सारा खर्चा होता है, धान बीहन लेना पड़ता है, उसके बाद फिर रोपना पड़ता है, कटिंग करना पड़ता है, फिर झाड़ना पड़ता है, उसके बाद जो धान होता है उसको बेचते हैं। तो किसान दोस्तों किसान को फायदा नहीं होता है, लेकिन मजबूरी है, किसानी करना है, खेत है तो फिर उसको रोपना पड़ता है, इसलिए खेती करते हैं, नहीं तो कुछ फायदा नहीं है, देखा जाए तो कुछ भी फायदा नहीं है, जितना जितना रुपया होता है धान बेच के उतना फिर खर्चा भी होता है, तो फिर कहाँ से फायदा हुआ, जितना प्रॉफिट है उतना ही लॉस भी है। तो चलिए हम आपको पूरा हिसाब दिखा देते हैं, कितना में धान बेचे हैं, कितना केजी हुआ है, कितना क्विंटल हुआ है, और कितना रुपया में बेचे हैं, आप सब पूरा देख लीजिएगा, तब पता चलेगा फायदा है या लॉस है। देखिए यहाँ पर पूरा हिसाब है, सीरियली 1-2 नंबर करके है, इसमें 62 नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, 62 नंबर यानी 62 बोरा धान हुआ, और किसी में 37 बोरा, 37 केजी, 51 केजी, 40, 44, देखिए 43, 42, 39 है ना, सब बोरा में कम बेसी करके धान हुआ, और टोटल जो धान हुआ दोस्तों यहाँ टोटल बोरा हुआ 62, 60 बोरा धान, 62 बोरा धान हुआ देख सकते हैं, और इसमें देखिए 42 केजी, 40 केजी, इस तरह से
सब बोरा में अलग अलग था, और टोटल जो धान हुआ इधर देखिए यहाँ पर 2496, यानी 2496 kg, 19 रुपया के हिसाब से धान सेल हुआ है। तो आप अब हिसाब कीजिए कितना पैसा हुआ। तो दोस्तों दिखा दे पूरा लाइव प्रूफ कितना धान हुआ, अब आप हिसाब कीजिए कितना पैसा हो रहा है। ज़्यादा धान नहीं हुआ और ज़्यादा नहीं बेच पाए, इस बार उतना धान ही अच्छा से नहीं हुआ था। लाइव प्रूफ तो दिखा दिए कितना धान हुआ है और क्या रेट में बेचे, अब आप हिसाब कीजिए कितना पैसा हो रहा है। हम तो पूरा सच्चाई बता दिए कितना होता है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।